हेलो एवरीवन। तो ये रहा पावर ग्रिड का छोटा सा पार्क और वहीं पे हम बैठे हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर ग्रिड का प्रिपरेशन कैसे करें। वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा हम बता देते हैं कि हम क्या फॉलो किए थे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम फॉलो किए वो इस बार फॉलो हो एग्ज़ाम में, बट थोड़ा सा होगा ज़रूर। तो ये करना है आपको कि पावर ग्रिड यानी पावर सिस्टम अच्छा होना चाहिए आपका, डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, नो डाउट। मशीन्स अच्छे होने चाहिए, मेजरमेंट अच्छे होने चाहिए। अब इसमें किस लेवल तक मशीन पढ़ें, किस लेवल तक पावर सिस्टम पढ़ें और किस लेवल तक बाकी सब्जेक्ट पढ़ें, ये थोड़ा सा हो जाता है कि पावर ग्रिड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लाइक UBPCL है तो उसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, बट बेसिक पढ़ के जाना है ना। तो उसी तरह इसमें भी सेम चीज़ है कि हर सिलेबस को उतना ही तक लेके जाना है जितना तक ज़रूरत हो। जैसे मशीन जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, SSC की तरह मशीन इसमें नहीं पढ़ना है, नेटवर्क जितना पढ़ना उतना ही पढ़ना है, SSC की तरह इसमें नेटवर्क नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पावर सिस्टम पढ़ सकते हैं SSC की तरह, कोई दिक्कत नहीं। तो इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग पावर सिस्टम में पढ़ लीजिएगा। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए। DC डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अस्टिंग एफिशिएंसी ये सब आना चाहिए, ये तो सिंपल है, सबको आता है ना। और नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क रिक्वायर्ड, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस। और थोड़ा पॉसिबल हो तो बुक पढ़ लें, बुक पढ़ लें, अभी टाइम है, और पावर सिस्टम का ही बुक पढ़ें फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि अभी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, अभी रिपीट नहीं हो रहे क्वेश्चंस, तो बुक पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर होगा। मेरा आदत था बुक पढ़ने का, बट अभी बहुत ज़्यादा बुक ना पढ़ें क्योंकि टाइम कम है। और ये भी ना सोचे कि यार पहले से बुक नहीं पढ़े हैं, पढ़ लिए होते, अभी ये समय डीमोटिवेट होने का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्किड में ऐसे मिले जो कभी भी बुक नहीं पढ़े थे, उनका रिजल्ट हुआ। तो जो लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस करें, टेस्ट बुक से सेट प्रैक्टिस करें, है ना। और क्वेश्चन सारे सेव कर लें, टेस्ट बुक में प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर लगा है जो 2020, 2021, 2020 में तो कोई एग्ज़ाम हुए नहीं, 21, 22 और 2023, ये तीनों ईयर के करंट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर लगा लें, है ना, तो सही रहेगा। और कुछ कुछ लिखे हैं, देखते हैं क्या लिखे हैं। हाँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अच्छा से होना चाहिए, एप्लीकेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल, एक एग्जाम वेदा ऐप है उसको आप इंस्टॉल करें। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे JV गुप्ता, आर के राजपूत, ये सब के। तो आप अच्छा से विदाउट बल्की बुक कैरिंग यू कैन रीड एंड रिवाइज एनी टाइम एनी वेयर एग्जाम वेदा ऐप। अगेन कंट्रोल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूले आना चाहिए आपको, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कुछ पढ़ लें। उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, स्लोप टेंजेंट ये सब थोड़ा सा आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माइक्रो प्रोसेसर में भी कैप्सूल यूथ का जो कैप्सूल का बुक है उसमें जो दिया हुआ है वो पढ़ लें, बहुत है माइक्रो प्रोसेसर। और कौन सा सब्जेक्ट, PLC ये सब बेसिक PLC आएगा नहीं आएगा, बट पढ़ के जाना है, थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लेते तो सही रहता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं PLC से। और भी ये कर सकते हैं कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो देख सकते हैं YouTube पे, बेसिक क्वेश्चंस के वीडियो, हू इज़ दैट, तो वीडियो देख सकते हैं बेसिक लाइक थायरिस्टर्स। जो नहीं पढ़े वो, जो पढ़ लिए वो सिर्फ क्वेश्चंस करें, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखना ही है ना। पावर टूल्स में भी बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लाइक साइक्लो कन्वर्टर ये सब, चॉपर ये सब, उसका छोटा छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, पढ़ के चले जाएँ सही रहेगा। और कुछ सब्जेक्ट छूट गया क्या? और कुछ याद आएगा तो कमेंट कर देंगे वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। वीडियो बनाते टाइम भूल जाते हैं क्या बोलना था क्या नहीं, और लिखते टाइम भी कि क्या लिखे क्या बोलना है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हाँ एक चीज़ और, बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा पढ़ लें, लाइक ऑक्टल टू डेसिमल ये सब, जो भी कन्वर्जन। मेकिंग वीडियो कमिंग इन 5 मिनट्स। और
और ये हो गया। और एक चैनल है इलेक्ट्रिकल MCQ करके एक, जो कि कोची भाई से भी लिंक है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। उनके करंट वीडियो जो मतलब एक साल में जितने भी वीडियो आए हुए हैं, जो भी करंट वीडियो है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, एक वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव कीजिए, बाद में रिवीजन कीजिए। बस हम यही करते थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और बाकी क्या कर सकते हैं, हो गया हाँ। और ये तो टेक्निकल का हो गया, टेक्निकल में अभी इतना ही करें, और बाकी और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं तो करें, बट ये थोड़ा सा नया चीज़ हल्का ऐड करना हो सकता है। ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो हम सब, कोई इशू नहीं है। नेटवर्क तो सबसे ही बन जाएगा, नेटवर्क के लिए कोई टेंशन नहीं है, नेटवर्क का क्या टेंशन है। और ननटेक में थोड़ा आता है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। SP बक्सी का एक बुक आता है इंग्लिश का, अगर वो ले सकते हैं तो लिए, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लिए। और नहीं, PDF भी डाउनलोड करने का मन नहीं है तो YouTube पे उनका ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। आप सेंटेंस जंबल ऑफ सेंटेंस जो रहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट लाइक PQRS करके जो रहता है, वो YouTube से देख के आप प्रैक्टिस कर लिए, बस 2-3 बार देख भी लीजिए ना, तो जो एग्ज़ाम में आएगा वो सही ही जाएगा। और साइन इन टू रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बस 2-3 बार बस उसका PDF पढ़ लीजिए, एक ब्लैक बुक का भी PDF, उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स के लिए ज़्यादा ट्रिक फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए तभी मैथ्स बनेगा। और ट्रिक्स CGL वगैरह के लिए छोड़ दीजिए, वो लोग कर लेंगे, है ना। और टाइम, क्योंकि ट्रिक को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए, सीखने में तो टाइम नहीं लगेगा, एग्ज़ाम में ट्रिक अप्लाई करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दिए थे। हम गगन सर से मैथ्स पढ़े हैं और फिर आदित्य सर से भी, बट फाइनली यही काम आया कि जो 7-8 में क्या सीखे थे वही काम आया। हाँ, बेसिक ट्रिक्स आने चाहिए, लाइक परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ये सब, रेशियो मेथड्स, ये सब बेसिक, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ओके, GK के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, टाइम कम है तो बस जो पहले पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन कीजिए, नया GK पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर पावर ग्रिड के लिए। SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। रीजनिंग, नए नए क्वेश्चन, CHSL, CGL, ये सब का कर लीजिए, सही रहेगा। और कुछ छूटा तो नहीं, ओके, यही बोलना था। अगर कुछ नया लगा होगा किसी को तो वो अप्लाई करें, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आइए पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड एक अच्छी कंपनी है और साफ़ सुथरा कंपनी है, यहाँ फालतू का झंझट नहीं है इधर, है ना। थोड़ा बहुत झंझट होता है लोकल लोग से, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, बाकी ऐसे पावर ग्रिड में रह के आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि लोकल इशू। TLM में होता है, TLM में ट्री कटिंग के टाइम राइट ऑफ वे का इशू, थोड़ा सा क्रॉप कंपनसेशन ये सब देना होता है, उसके लिए पावर ग्रिड देती है पैसा, कोई टेंशन नहीं है, है ना। और पावर ग्रिड का जॉब प्रोफाइल का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही बोले ना आप, क्या पावर ग्रिड जॉब को लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉब को लेके आप क्या बहुत पैसा चाह रहे हैं, होता ना जॉब लग जाएगा ये तुरंत स्कॉर्पियो खरीद लेंगे, तुरंत ये वो सब, यहाँ होने वाला नहीं है, ठीक है। और वो कहीं नहीं होने वाला, वो आदमी किसी भी तरह कर लेता है वो अलग चीज़ है, वो कहीं नहीं होता है, ठीक है। कोई ट्रक खरीद लेगा, जैसे हमको लगा था कि हम आते के साथ यहाँ एक R15 बाइक लेने वाला है, ठीक है, तो बाइक तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोफाइल ठीक है, वो सब स्टेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको पावर ग्रिड में कैसा मिलेगा जॉब प्रोफाइल। अभी कहीं पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ है, वहीं पे पोस्टिंग है, तो कैसा रहेगा, कहीं पे ऑफिस छोटा है, कहीं पे ऑफिस बड़ा है, वो स्पेस का इशू होता है। वैसे काम कहीं पे टेक्नीशियंस ज़्यादा है, कहीं पे टेक्नीशियंस एक हैं, तो JEE को सारा काम करना पड़ रहा है, तो वो बोलेंगे यार टेक्नीशियन बना दिया, वो बने गए ही। कभी कभी जो है ना वैक्यूम क्लीनर लेके सर्किट ब्रेकर भी साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा मेंटली, ऐसे नहीं कि पावर ग्रिड में आके क्या कर रहे हैं, एक नट भी गिरा है उसको उठाना है, अपना समझना है पावर ग्रिड को, ठीक है, थोड़ा तब मज़ा आएगा इसमें काम करने में। और क्या, हाँ, ये कुछ हार्डशिप लोकेशन जैसे NER है,
तो एन ई आर वालों का अलग है इशू, बट उधर मस्ती भी बहुत ज़्यादा है। उनसे पूछिएगा तो बोले पावर ग्रिड बेस्ट जॉब, और वहीं पे एन ई आर में किन्हीं से पूछा पावर ग्रिड क्या है, तो ये चीज़ है। तो यही है, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेक्ट होना है, अभी जो भी सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है पहले उनको सिलेक्शन लेना है, उसके बाद फिर ह्यूमन टू से फुटानी करना है। और ये है हम लोग का सब स्टेशन। इसमें ये यहाँ क्वार्टर नहीं है, बीपावड़ा सब स्टेशन है SR2 रीजन का, यहाँ क्वार्टर नहीं है। ये गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम में हम लोग एडजस्ट करके रहते हैं, तो यहाँ हम लोग को क्वार्टर नहीं मिला है। और कहीं कहीं पे जेई को 3 BHK क्वार्टर मिला हुआ है, तो यही सब थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी क्वार्टर यहाँ बन ही रहा है, अंदर कंस्ट्रक्शन, बढ़िया से तैयारी कीजिए आप लोग जो भी है, और अच्छा लगेगा पावर ग्रिड में आके, बेकार नहीं लगेगा, ये तो कंफर्म है। कभी कभी लग सकता है, वो हर जॉब में लगेगा, और जॉब के बाद थोड़ा सीनियर को मतलब अंडर में रहना, वो चीज़ सीखना पड़ेगा, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, बट 10-20 के दिन के अंदर ही हम सीख गए हैं कि नहीं होता है। एक थोड़ा सा किसी के अंडर में रह के काम करना, बट आपके भी अंडर में कोई है तो बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है ना। ओके बाय।